हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिशन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडलाइन है, चाइना प्रपोजेस पुल बैक एट पैंगोंग, इंडिया कंसीडर्स ऑफर। तो चाइना ने एक ऑफर दिया है, वो क्या दिया है, 6 months आफ्टर PLA ट्रूप्स केम इन 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द पॉइंट विच इंडिया सेज मार्क्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो टू ट्रिगर अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन लद्दाख। चाइना हैज़ प्रपोज मूविंग इट्स ट्रूप्स बैक टू फिंगर 8 एंड रिटर्न ऑफ ट्रूप्स बाय द टू साइड्स टू द ओरिजिनल लोकेशन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द लेक। तो चाइना ने बोला है कि वो अपने ट्रूप्स को फिंगर 8 तक ले जाएगा। अब देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि GDP कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट क्वार्टर में 8.6% से। तो ये कैसे पता चला, ये रिपोर्ट निकाली है RBI ने, स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट कौन निकालता है, तो RBI निकालता है। इस न्यूज़ में क्या है, द इंडियन इकॉनमी लाइकली एंटर्ड इन टू अ टेक्निकल रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021। कि इंडिया टेक्निकली अब रिसेशन में एंटर होने वाला है आफ्टर एन अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन ऑफ 23.9% इन GDP इन अप्रैल जून एज एस्टिमेटेड बाय द NSO। तो जो लास्ट क्वार्टर में डिक्लाइन आया था वो 23.9% का था, जो अप्रैल जून की GDP आई थी। अब रिसेशन क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स व्हेन द GDP ग्रोथ रेट इज नेगेटिव फॉर 2 consecutive quarters और मोर इट इज टर्म्ड रिसेशन। अगर GDP 2 consecutive quarters के लिए नेगेटिव रहती है तो उसे रिसेशन बोलते हैं। स्टेट ऑफ द इकॉनमी रिपोर्ट RBI निकालता है। अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आया था, तो ये क्या है, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन ऑन इम्पोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। बिसाइड्स इन्वाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट शॉप इन इंडिया, द स्कीम एम्स टू इनकरेज लोकल कंपनीज टू सेट अप और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का काम है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, इंपोर्ट्स पे कट करना, कैसे लोगों को कैश इंसेंटिव्स देके अगर वो इनक्रीज ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपनी में, और फॉरेन कंपनीज़ को भी इन्वाइट करना, उनको बोलना कि आप इंडिया में अपनी शॉप्स बनाओ। इससे द स्कीम एम्स टू इनकरेज, और स्कीम का ये भी एम है कि लोकल कंपनीज को इनकरेज करना कि वो सेटअप करें, एक्सपेंड करें और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने इसको भी 8 और 10 और मोर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इंक्लूड कर दिया है, जो कि हैं एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग अमंग अदर्स। द PLA स्कीम फॉर दीज 10 sectors विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years और इसका टोटल एस्टिमेटेड आउटले 1.45 lakh crore। तो अब बाकी 10 sectors में भी कर दिया गया है 5 सालों के लिए। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट ब्रिंग्स डिजिटल न्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म्स अंडर IN BVOS। जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं अब उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाएगा। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स वही जो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, मूविंग टू ब्रिंग विद इन इट्स परव्यू ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेट कैन बी एक्सेस्ड इन इंडिया। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑनलाइन मीडिया इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड न्यूज़ विल नाउ कम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो अब ये INP मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, तो इन पर भी रेगुलेशन होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पे डेली व्हीकल पुश डिस्कस जाता है यूएन टू रिड्यूस एमिशंस। तो UNFCCC की एक सेशन था, गवर्नमेंट लीडिंग द वे एट द UNFCCC रेस टू जीरो डायलॉग। तो डेली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी, उस पर क्या कहना था, द मोटिवेशन बिहाइंड डेलीज एम्बिशियस रोड मैप ऑफ ट्रांजिशन टू जीरो एमिशन व्हीकल्स इज टू एड्रेस बोथ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ इमरजेंसी। तो ये जो डेली वाइस चेयरपर्सन गए थे, इनका ये कहना था कि मोटिवेशन यही है डेली एम्बिशियस रोड मैप के लिए कि हमें पब्लिक हेल्थ को भी देखना है, क्लाइमेट चेंज को भी देखना है। ट्रांजिशन EVs मतलब सारी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना देना है मुश्किल, और लार्ज सिटीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग है कि स्मॉल सिटी भले ही ऐसा कर सकता है, लेकिन डेली ने पॉलिटिकल विल दिखाया है, एन एटीट्यूड टू लर्न फ्रॉम सक्सेसेस एंड फेलियर ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज़ पॉसिबल, वन सिटीज़ ये बोल रहा है कि एक बार हम 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला दें, उसके बाद तो फिर जल्दी जल्दी हम सारी व्हीकल्स ला देंगे। इनका टारगेट है 25% ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल शुड बी EVs बाई 2024। इसका मतलब 4.8 million tons रिडक्शन होगा कार्बन एमिशंस में। तो ये अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, 25% वही होनी चाहिए। अब सीरो सर्वे क्या होता है, अ सीरो सर्वे इज कंडक्टेड टू चेक द प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज इन द पॉपुलेशन। द पार्टिसिपेंट्स आर स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड टू चेक वेदर दे वर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इन द पास्ट। इससे ये पता करते हैं कि आपको भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, मतलब आपके अंदर एंटीबॉडीज़ है तो मतलब आपको भी इन्फेक्ट हुए थे। सीरो सर्वे में इसी चीज़ का सर्वे किया जाता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पर है PM टू कोचेयर इंडिया आशियान समिट टुडे, फोकस ऑन इकोनॉमी स्ट्रैटेजिक टाइज। तो आशियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कोचेयर द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड 10 Asian ASEAN ऑन थर्सडे।
तो ये माना जा रहा है कि किस किस पर फोकस होगा, कि इकोनॉमिक टर्मोइल से कैसा निकला जाए जो कि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से हो गई है, और कुछ ब्रॉड बेस स्ट्रैटेजीज डिस्कस होंगी। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग्स इन द रीजन बोला जाता है। इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर, इंडिया, US, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। और इसके मेंबर्स कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो आप इसके 10 मेंबर्स याद कर सकते हैं, डायलॉग पार्टनर्स भी याद कर सकते हैं कि इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है। इस बार मोदी अलॉन्ग विद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर्स को को चेयर करेंगे। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, द लीडर्स विल डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन आशियान इंडिया एंगेजमेंट एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट विल नोट द अडॉप्शन ऑफ आशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021 to 2025। तो एक आशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन भी अडॉप्ट हो सकता है, पोस्ट पैंडमिक कैसे डील किया जाए इकोनॉमिक रिकवरी से, कैसे रीजनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स किए जाएँ। आशियान इंडिया के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, आशियान इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैंड्स ऑन लॉन्ग फाउंडेशन, और इंडिया ने इसके लिए क्या किया, इंडिया ने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी निकाली थी जिससे आशियान की सेंट्रलिटी के बाद चलता है कि आशियान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे इंडो पैसिफिक की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो इसमें आशियान और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जैसे इन हिज स्पीच एट द शांग्रीला डायलॉग इन जून 2018 प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड हाईलाइटेड आशियान सेंट्रलिटी एंड यूनिटी एज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन, कि इंडियाज के इंडो पैसिफिक विजन के लिए आशियान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू वेलकम आशियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक विच इज़ अ लॉट इन कॉमन विद इंडियाज ओन इंडो पैसिफिक विजन। न्यू दिल्ली वॉन्ट्स टू सी अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड एंड प्रॉस्परस आसियान प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन विद इंक्रीजिंग फोकस ऑफ ओशियन एज प्रोवाइडर्स ऑफ रिसोर्सेज, द रिजर्वॉयर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द हाईवेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड द फ्रंटियर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। तो आज होगी सबमिट, तो आज पता चलेगा कि क्या क्या आउटकम्स हुए सबमिट के। ओडिशा इंट्रोड्यूस करने वाला है फिश इन न्यूट्रिशन स्कीम। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 35.3% चिल्ड्रन जो 5 ईयर्स के अंदर के उड़ीसा में वो स्टंटेड हैं और 35.8% अंडर वेट है। मॉल नरिशमेंट की कंसर्न स्टेट में इसके लिए पहला उड़ीसा ऐसा स्टेट बना था जिसने एक सेपरेट न्यूट्रिशन बजट निकाला था। द मूव इज टू इंट्रोड्यूस फिश इन द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब इनका है कि हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में फिश इंट्रोड्यूस करें ताकि मैल न्यूट्रिशन से फाइट कर सकें। द ओडिशा गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस फिश एंड फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स इन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। द पायलट प्रोग्राम विल स्टार्ट अक्रॉस 50 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट एंड MOU इन दिस रिगार्ड वॉज साइंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड फिश एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इन्होंने पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है, धीरे धीरे अगर इसके रिजल्ट अच्छे रहे तो ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्टॉल्ड बाई कोविड, फर्स्ट स्नो लेपर्ड सेंसर्स स्टार्ट इन उत्तराखंड। तो पहला स्नो लेपर्ड सेंसस हो रहा है। इंडिया इज लॉन्च इज फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ द रेयर एंड एल्यूसिव स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन दैट मेनली इनहेबिट्स। तो स्नो लेपर्ड का हैबिटेशन कहाँ कहाँ पर है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे ऊपर वाले स्टेट्स हैं, आप ही याद रख सकते हैं। तो अब सेंसस होगा तो पता चलेगा कितने, एक बहुत पहले सेंसस हुआ था उसमें पता चला था अकॉर्डिंग टू हैबिटेट बेस्ड एस्टिमेट, एक हैबिटेट बेस्ड एस्टिमेट लगाया गया था 3 साल पहले, तब ये देखा गया था 626 स्नो लेपर्ड्स हैं जो कि 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है एट द हाइट ऑफ बिटवीन 3,000 to 5,000। एज पर दैट एस्टिमेट लद्दाख में 130 स्नो लेपर्ड्स हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 90, फिर उत्तराखंड में 86। तो एक ये हुआ था, अब इस रिजल्ट्स का पता चलेगा कि कितने हैं। ₹75 करोड़ डेली कलेक्शन बाय फास्टैग्स। तो फास्टैग से कलेक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग फास्टैग की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा देखा गया क्योंकि डेली 92 करोड़ कुछ कलेक्शन होता है, उसमें से 70 करोड़ अब फास्टैग से होने लगा, और फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा फ्रॉम जनवरी एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब किसी ने PIL फाइल की थी कि ये जो हाईकोर्ट ने फायर क्रैक का बैन लगाया इसे हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, लाइफ इटसेल्फ इज़ प्रेशियस, लाइफ इटसेल्फ इज़ इम्पेरल्ड इन दीज टाइम्स, ऑल ऑफ अस हैव वैल्यूएबल पीपल इन आर होम्स एंड व्हेन देयर इज समथिंग दैट कैन मेक लाइफ बेटर फॉर दीज पीपल लेट्स ऑल कम टुगेदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL को खारिज करते हुए ये जजमेंट दे दी। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पहला है सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन मस्ट मेंटेन डेलिकेट फेडरल बैलेंस, गवर्नमेंट नीड्स टू टेबल रिपोर्ट एडवर्स अप्रिहेंशंस। तो अभी सेंटर स्टेट रिलेशन का वैसे भी टेस्टिंग टाइम चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी है, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे जिसमें रिकमेंडेशन दिए जाएंगे कि कैसे कैसे टैक्स रेवेन्यू शेयर होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स अगले 5 सालों के लिए। अभी रिसेंट इवेंट्स में देखा गया कि सेंटर ने अटेम्प्ट किया है कि वो अपनी डोमिनेंस दिखाए कंट्रीज के फिस्कल आर्किटेक्चर पे। अब ये देखने वाली बात है कि कमीशन एक न्यूट्रल आर्बिटर होकर कैसे इन कंटेस्टिंग क्लेम्स को बैलेंस करेगा।
कमीशन की रिकमेंडेशन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं कोविड 19 के साथ भी डील करने के लिए। इवन एवर सिंस द फ्रेमिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट व्हाट इज बीइंग सीन एज मेनी बाय द अटेम्प्ट्स बाय द सेंटर टू क्लॉ बैक द फिस्कल स्पेस सीडेड टू द स्टेट्स। ऐसे बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर चाह रहा है कि वो जो फिस्कल स्पेस है स्टेट्स का वो कम करता जाए। 14th फाइनेंस कमीशन ने डिविजुअल टैक्स पूल को बोल दिया था कि 42% शेयर होगा, उससे पहले 32% होता था, पर एक्चुअली 42% कभी होता नहीं है, क्योंकि जो सेंटर होता है वो एक्चुअली जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, वो सेसो सरचार्ज के थ्रू करता है, और सेसो सरचार्ज स्टेट के साथ शेयर करने नहीं होते। रिपोर्टेडली द कमीशन हैज मेंटेन डिवोल्यूशन एट द एग्जिस्टिंग लेवल, ऑन द अदर हैंड एनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डिविजुअल टैक्स पूल दैट इज शेयर्ड विद द स्टेट्स, तो इससे क्या होता है, इससे फिस्कल फेडरलिज्म वीक होता है, वुड मीन अ फॉल इन द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। तो ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस बार भी ऐसा किया जाए, क्योंकि इस बार कोविड 19 टाइम्स में वैसे भी स्टेट के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। दिस इज नॉट टू सजेस्ट ऑफ कोर्स दैट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस डज नॉट नीड टू बी रैम्ड अप। ऑथर का कहना है कि डिफेंस पे इस बार ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज को हमें लगाना चाहिए जो कि हमें प्रायोरिटीज एरिया है, जो कि अभी कोरोना वायरस से कोविड 19 से डील करने का एरिया है। बट मोर रिसोर्सेज कुड बी फाउंड बाई री ओरिएंटिंग द सेंटर्स एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। सेंटर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज राइजन ऑन आइटम्स दैट फॉल इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट वाइल फॉलिंग ऑन आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट। ये देखा गया है ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल हुई है और यूनियन लिस्ट पर भी फॉल हुई है। हैज़ राइजन ऑन आइटम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो राइज हुई है, जो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम्स लाई करते हैं, लेकिन जो यूनियन लिस्ट में वेल फॉलोइंग ऑन आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट। इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है कमीशन के लिए कि वो देखें कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स किए जाएँ, कैसे दिए जाएँ स्टेट्स को, मतलब जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसे एक बैलेंस बना रहेगा फेडरल फ्रेमवर्क के लिए, और फिर ऐसे स्टेट्स को भी कोई अप्रेंशन नहीं होगा क्योंकि रिसोर्सेज कम किए जा रहे हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया बिहार में इलेक्शन करा के बहुत ही सेफली। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इनिशियल डाउट्स वॉज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी कंट्रीज स्पेशली साउथ कोरिया विच कंडक्टेड इट्स नेशनल इलेक्शंस इन द मिडस्ट ऑफ द पैंडमिक विद ग्रेट सक्सेस and the highest ever turnout. As many as 34 countries have conducted elections to the National Assembly or presidential post while being engaged in the battle against the novel coronavirus. The Election Commission of India inspired भी हुई थी बाकी countries से जिन्होंने pandemic में elections कराए थे, जैसे कि South Korea वगैरह, तो इससे उनका भी ऐसे confidence boost हो कि हम भी करा सकते हैं। Equipped with such knowledge as well as their own experiences, the ECI ने एक COVID guidelines issue कर दी August में बिहार polls के लिए, कि जैसे एक पोलिंग बूथ में कम से कम 1000 तक लोग काम कर दिए, और उसके बाद ईवीएम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, 40,000 एक्स्ट्रा ईवीएम्स, काउंटिंग टेबल्स रिड्यूस कर दी 7 कर दी 14 से, डोर टू डोर कैनवेसिंग में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि सिर्फ 5% ही हो सकते हैं, जो व्हीकल्स का कॉन्वॉय था उसे ब्रोक कर दिया कि बस 5 व्हीकल्स तक, क्योंकि पहले 10 होती थी। पब्लिक मीटिंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि उतने ही लोग कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जितने अलाउड हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेल करा दी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम था, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स ओवर द एज ऑफ 80, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ है। इसमें एक इलेक्शन कमीशन का एक ये भी था सिस्टम जो स्वीप बोलते हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और सेटिस्फैक्ट्री वोटर टर्नआउट भी रहा, जिन्होंने कमीशन को एकदम सही ठहराया कि हाँ कमीशन ने सही किया। अभी ये बहुत ही कंसर्न था कि डिजिटल कैंपेनिंग से कैसे ही हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बिहार की जनता के पास तो ऐसे फ़ोन वोन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन बिहार में लो है 37%, और स्मार्टफोन से 27% लोग यूज़ करते हैं। लेकिन तब भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लीडर्स ने रैली की, फिजिकल रैली भी हुई। तो ECI ने इसके लिए एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स इन कोलाबोरेशन विद सोशल मीडिया भी बनाया कि कोई भी फेक न्यूज़ और हेट प्रोपेगेंडा से डील किया जा सके, अलाउइंग डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन द टू ओवर प्रॉब्लमेटिक पोस्ट ड्यूरिंग एन इलेक्शन सीजन, की कोई भी प्रॉब्लमेटिक पोस्ट है तो ECI डायरेक्टली सोशल मीडिया वेबसाइट से बात कर सकें। तो कोविड 19 मेजर में थोड़ा टफ था, पर इलेक्शन हुए बहुत अच्छे, वो रिजल्ट भी अच्छा ही रहा कि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आफ्टर फेसिंग सम सीरियस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस इन 2019 दैट अफेक्टेड इट्स इमेज, द बिहार इलेक्शंस वर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ECI टू प्रूव इट्स एफिशिएंसी एंड इवन हैंडेडनेस टू एवरी स्केप्टिक। एट अ टाइम व्हेन ऑल कंट्रीज आर लुकिंग एट ईच अदर फॉर लेसंस, बिहार कुड बी लीडिंग एग्जांपल ऑफ सक्सेस इलेक्शन मैनेजमेंट एंड द ECI ऑफ अ लीडिंग इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी। तो बिहार एक एग्जाम्पल हो सकता है सक्सेसफुल इलेक्शन मैनेजमेंट का, और बाकी स्टेट्स भी इससे सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है एक यूपी ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन रोज़गार, तो इसमें 50 लाख जॉब्स देंगे यूथ को मार्च 2021 तक। तो आप मिशन रोज़गार
पता कर सकते हैं कि मिशन रोजगार, अब मिशन रोजगार को हेड कौन करेगा, इट विल बी रन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर वाइल हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी विल मॉनिटर द कैंपेन एट मंथली बेसिस। तो मिशन रोजगार यूपी से रिलेटेड है। हाउ गवर्नमेंट रेगुलेशन कुड अफेक्ट ओटीटी कंटेंट, गवर्नमेंट ने ब्रॉड कर दिया ओटीटी, या मैंने आपको फर्स्ट पेज पर बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, तो ये होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डेफिनेशन। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दैट स्टार्टेड आउट एज कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बट सून एक्सपेंडेड टू प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ शॉर्ट मूवीज, फीचर फिल्म, फीदर फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज देमसेल्फ। व्हाट लॉज रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सो फॉर इन इंडिया, देर आर नो लॉज और रूल्स। अभी कुछ कोई भी इन्हें रेगुलेट नहीं करता है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादातर अनरेगुलेटेड है। टीवी, प्रिंट और रेडियो ये रेगुलेट होता है, जो भी गवर्नमेंट रिलीज करती है अपने रेगुलेशंस उसके हिसाब से डील होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया होते हैं रेगुलेट नहीं होते। अब क्या होगा, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट होंगे तो जो भी कंटेंट होगा वो एक बार गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा कि हाँ उनसे मंजूरी मिल जाएगी, तभी वो ऑनलाइन पब्लिश होगा। तो फिर ये एक न्यूज़ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।